हेलो, वेलकम टू प्रगति वर्ल्ड। मैं हूँ प्रगति और सबका मेजर में स्वागत है। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एटेनिस की 2022 की फर्स्ट दुर्गा पूजा ब्लॉग। कहते हैं इस समय माँ दुर्गा 5 दिन के लिए ना मायके आती है, तो माँ दुर्गा हमारे अपार्टमेंट में भी अपने मायके आ चुकी है कहते हैं। और ये 5 दिन ना हमारे बंगाली ट्रेडिशन में धूमधाम से मनाई जाती है। और इस समय हम लोग जिस तरह मतलब लड़कियाँ अपने ससुराल से मायके में आने से जो मायके वाली की खुशी हुई, यहाँ भी सेम खुशी है। सभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, सारे फैमिली इसलिए इकट्ठे हुए हैं और अपनी माँ जो हमारी बेटी घर में आई है उनका स्वागत करें। और ये जो 5 दिन हम जो जो इन्जॉय करेंगे ना फुल आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं हम अब सबसे पहले माँ दुर्गा की मूर्ति को हम अपनी पंडाल में स्थापित करेंगे। तो सभी देख रहे हो आप किस तरह इन्जॉय कर रहे हैं, सब डांस वांस करके अच्छा लगता है। सब कुछ भूल के पूरी साल भर की जो थकान दूर करके हम 5 दिन इतना इन्जॉय करते हैं और ये मेमोरी हमारी ना पूरी लाइफ में जो हमारी टेंशन दूर करती है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग वेट कर रहे थे कब दुर्गा पूजा आएगी, कब आएगी। सच में आने के बाद जो खुशी महसूस होती है ना, जो हम तैयारी करते हैं वो तैयारी जब माँ दुर्गा चले आती है वो भी एक सच में बहुत फील होता है। जिस तरह हम लोग अपने मायके छोड़ के जाते हैं वो फील भी होती है, सेम चीज़ है। तो आप देख सकते हो किस तरह लाइटिंग भी की हमारी सोसाइटी, सच में बहुत अच्छी लग रही है। तो चलते हैं माँ दुर्गा की मूर्ति को सबसे पहले स्थापित करने के लिए। और आप यहाँ ढाक की आवाज़ सुन सकते हो, और बिना ढाक का दुर्गा पूजा हो ही नहीं सकता। बंगाली कल्चर्स में हमारे रिचुअल्स में हमेशा ढाक की आवाज़ होती है पूजा में। और ढाक की आवाज़ सुनते बचपन में भी हम ये सोचते थे कि दुर्गा पूजा आ चुकी है, अलग से फीलिंग्स हैं। और ढाक की आवाज़ जब भी सुनते हैं ना तो अपने आप आपकी जो पैर है थड़कने लगती है, अपने आप ही होता है कि नहीं हम आरती करें। हमारे कल्चर में धुनोची नाच बहुत फेमस है। तो आप देख सकते हो सभी खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं कि माँ दुर्गा आ चुकी है, यहाँ डांस कर रहे हैं सभी। और ढाकी बिना तो दुर्गा पूजा हो ही नहीं सकती है। और हमारे सोसाइटी में माँ दुर्गा की मूर्ति आ चुकी है और सारे लोग फेस्टिवल मूड में आ चुके हैं। सारे जो साल भर की हमारी लाइफ में जो टेंशन उनको दूर करते हुए हम ये 5 दिन फुल फेस्टिवल मूड में बने रहेंगे। और यहाँ पर हमारी जो अपार्टमेंट की सारी लेडीज है वो मूर्ति स्थापित के बाद जो आरती की जाएगी उसके लिए सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि मूर्ति स्थापित करने के बाद वो आरती स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी जानकारी मिलती है जो हमें पता नहीं होता है कि हमारे कल्चर में क्या क्या रिचुअल्स है, तो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे, इनको देख के ना अपनी बचपन की याद आती है कि हम दुर्गा पूजा में कैसे मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो बहुत अच्छा है, इनकी सबसे ज़्यादा खुशी तो इनकी ही होती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे मैं भी यही मैं दुर्गा पूजा में जो जो सेलिब्रेट करूँगी सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है और हमारे सोसाइटी के सारी लेडीज इकट्ठे होकर पंडाल के ऊपर आ चुके हैं। और जिससे कि हमारे जो बंगाली रिचुअल्स में माँ दुर्गा की आरती उतारी जाती है स्वागत के साथ, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं सब। और अब माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करने के बाद उनकी आरती की जा रही है। और यहाँ पर हमारे बंगाली कल्चर में जो माँ दुर्गा की आरती के बाद जो जो रिचुअल मनाई जाती है वो सारी चीज़ यहाँ पर हमारे एटेनिस की जो वुमेन्स हैं सारे इकट्ठे होकर सब कर रहे हैं। और पूरी रिचुअल होने के बाद माँ दुर्गा की जो पंडाल है उसको सजाया जाएगा और माँ दुर्गा की मूर्ति को भी सजाई जाएगी। और मूर्ति स्थापित के बाद हमारे यहाँ बंगाली रिचुअल में धुनोची नाच की जाती है जो हमारे सोसाइटी अपार्टमेंट के ही लोग कर रहे हैं। और ये जो फीलिंग्स है मैं अपने शब्दों में आपको व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, अलग ही एक फीलिंग्स होती है, खुशी देती है। और आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हमार बंगाली बंधुरा प्लीज़ अपना हमार चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करबें और बेशी को शेयर करबें। आगे हमें जा जा हमारे अपार्टमेंटे अनुष्ठान हो सब कुछ अपना शेयर करब। टेक केयर, बाय और नमस्ते।